अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का दूसरा अनकट शो। अनकट शो की शुरुआत से पहले आपने देखा एक गाना, फिल्म से फिल्माया गया, पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे मरती है। यही हाल हो गया आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर्स का। जी हां नाज़रीन, एक मर्तबा फिर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चंद लीडर्स ने माइनॉरिटीज के साथ धोखा किया। सिर्फ एक फेरोज खान को हारने वाली सीट हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी देकर अगर कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ किया गया तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। हम आपको बता दें नाजरीन, टीपीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी, एआईसीसी के इंचार्ज कुंतिया, बोसाराजू, कोसाराजू, सलीम अहमद और दूसरों ने माइनॉरिटीज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। मेरी मुराद, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक जानदार लीडर, क्राउड पुलर माने जाने वाले साबिका इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को नेगलेक्ट किया गया। आइए देखते हैं एक नजर। नाज़रीन, बड़े ही अफसोस के साथ आज हम इस अनकट प्रोग्राम में यह कहना चाहते हैं कि दो महीने पहले जब अजहरुद्दीन के घर पर खुद अहमद पटेल चलते हुए आए थे और जनरल इलेक्शंस के टाइम पर तेलंगाना के कर्नाटक के अजहरुद्दीन के खिदमात को यूज किया, क्राउड पुलिंग के लिए अजहरुद्दीन का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ ये भी वादा किया कि 2019 के एमपी इंतखाबात में एक सूटेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन आज जब वक्त आया है तो पार्टी में मौजूद चंद आरएसएस मेंटालिटी रखने वाले फिरखा परस लीडरों ने पैसों के खातिर पैसे कमाकर दूसरों को टिकटें बेच दी है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे अफवाहें चल रहे हैं। अजहरुद्दीन जो कि हिंदुस्तानी नहीं दुनिया भर की एक मशहूर हस्ती है, जहां भी जाते हैं लाखों की हजारों की तादाद में लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के वर्किंग प्रेसिडेंट है। ऐसे शख्स को चंद आरएसएस मेंटालिटी रखने वाले लीडर्स पार्टी में नोवेयर करते हैं और जब टिकट देने का वक्त आता है तो नजरअंदाज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मुसलमानों के साथ खिलवाड़, यानी कि अजहरुद्दीन से जहां जरूरत थी क्राउड पुलिंग के लिए जनरल इलेक्शन में, वहां पर किया, अब जब वक्त आया है तो अनजान। यह कहां का इंसाफ है, आइए देखते हैं। We'll be right back.
बात सदर AICC राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से रुजू करना चाहते हैं, और वो ये है कि आज जब फिरखा परस्त ताकतों के खिलाफ कांग्रेस को मुस्तहकम बनाने के लिए जैसे लीडर्स की जरूरत होती है, ऐसे लीडर्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के दूसरे स्टेट्स में ग्राउंड रियलिटी पर इंक्वायरी करवाई। किसे टिकट दिया गया है, पैसे लेकर किसे दिया गया है, वर्थफुल कैंडिडेट को दिया गया है नहीं। अगर ये नहीं होगा तो यकीनन आज मैं अनकट प्रोग्राम के जरिए ये दावा करता हूं कि तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा अगर हिंदुस्तान भर में भी इसी तरह के अफवाहें रहे कि पैसे देकर टिकट्स बेचे गए हैं तो हिंदुस्तान से भी नामो निशान मिटने के चांसेस बहुत ब्राइट है। तो इसी उम्मीद के साथ हम राहुल जी और प्रियंका जी से ख्वाहिश करते हैं कि हमारे आज के इस अंकट प्रोग्राम को थोड़ा सीरियसली सोचे ताकि आपकी पार्टी को फायदा होगा, हमें नहीं। इसी उम्मीद के साथ आज का अंकट प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।